दोस्तों आज हम क्रिएट करने वाले हैं अमेजिंग सर्किट टेक्स्ट इफेक्ट एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जो कि आप जस्ट एक क्लिक के अंदर क्रिएट कर सकते हो। हाँ, फिर अगर डिफरेंट रिजल्ट के लिए आपको डिफरेंट मैनिपुलेटिव करने पड़ेंगे, बट सर्किट टेक्स्ट का रिजल्ट आपको जस्ट एक ही क्लिक में मिल जाएगा। और बहुत ही क्विक ट्यूटोरियल है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इससे वेरियस काइंड ऑफ आउटपुट जनरेट कर पाओगे, जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो गाइस। तो चलते हैं अभी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। पहला काम, हम हमारे टेक्स्ट टूल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करते हैं हमारी कंपोजिशन के अंदर। मैं यहाँ पे अपना टाइप कर देता हूँ जो हमने किया था, इफेक्ट जनरेट करना है CIUIT, तो मैंने यहाँ पे मेरा वर्ड टाइप कर दिया है। पहला काम, इसका एंकर पॉइंट सेंट्रल कर देते हैं और यहाँ पे अलाइन करते थे हमारे वर्ड को कंपोजिशन के। और जो मैं अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ वो अल्फाबेट है गाइज गोबोल्ड अपलो। आप अपने लिए इसको यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए इसको आराम से यूज भी कर सकते हो। प्लस मैंने यहाँ पे इसको फॉक्स बोल्ड अप्लाई किया, वो इतना थिनर रहता है, मैंने यहाँ पे इसको फॉक्स बोल्ड अप्लाई करके रखा हुआ है। और एक चीज मैंने की है, क्योंकि आगे जाके अगर आपको उसको अंदर अपना खुद का एनिमेशन कुछ ऐड करना है, तो पहली चीज मैंने पैराग्राफ यहाँ पे सेंटर लाइन रखा हुआ है, क्योंकि आगे जाके मुझे इसके ऊपर ट्रैकिंग एनिमेटर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब मेन चीज, जैसे हमने किया था, एक ही क्लिक के अंदर आप सर्किट इफेक्ट वाला टेक्स्ट एनिमेशन जनरेट कर सकते हो। तो पहला चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्टेड रखना है, इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाना है, और आपको सीधा सीधा यहाँ पे क्या करना है, टाइप करना है CIRCU। तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा एनिमेशन प्रीसेट में, बैकग्राउंड के अंदर सर्किट का। सीधा ला क्या क्या करना है आपको, खाली अपने टेक्स्ट लेयर के ऊपर अप्लाई कर देना। अब ये चाहे आपका टेक्स्ट लेयर हो, चाहे आपका कोई शेप लेयर हो, किसी के ऊपर भी काम करेगा। अगर आपको चाहिए एग्जाम्पल तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सपोज मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ एक रेक्टेंगल, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और मैं क्या करूंगा, इसको भी इसके ऊपर क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं। तो आप देखोगे तो भाई, जैसे ही हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर, सॉरी कंट्रोल जेड, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे इसके ऊपर शेप लेयर के ऊपर अप्लाई करता हूं, तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, ये अप्लाई हो चुका है। ओके गाइस, तो अभी देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये वाले लेयर को हमने डिलीट कर दिया। अब जैसे हमारा सर्किट वाला लेयर है, उसको हम रिवील करते हैं। और सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो जैसे ही मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, देखो आपको अंदर अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर एक अल्फाबेट के अंदर ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्रिएट कैसे हुआ, ये इफेक्ट जो क्रिएट होता है, तीन अलग अलग इफेक्ट को मिला क्रिएट होता है। सबसे पहला है फ्रैक्टल। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, ऑलमोस्ट सारी चीजें गायब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक ही इफेक्ट को यहाँ पे जनरेट रखू आपके लिए, तो इसको मेनली क्रिएट किया गया सबसे बेस और इम्पोर्टेंट इफेक्ट जो इसके अंदर हुआ है, फ्रैक्टल नॉइज। सो फ्रैक्टल नॉइज के अंदर यहाँ पे जो मेन चीज यूज किया गया है वो है बॉक्स इफेक्ट, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक जो आपके होते हो कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, रादर देन हम जो कहते हैं ना कि यहाँ पे हमने सब स्केल यूज किया, मैं टर्बुलेंट स्मूथ भी कर दू तो, बट ये क्या है, बॉक्स है मेरे पास। अगर ब्लॉक को हटा के आप यहाँ पे लीनियर कर दोगे तो कुछ अलग चेंजेस आ जाएंगे आपके पास। सॉफ्ट लीनियर कर दोगे तो अलग चेंजेस मिलेंगे आपको। यहाँ पे स्प्लाइन कर दोगे तो अलग चेंजेस मिलेंगे। सो जैसा रिजल्ट चाहिए उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, यहाँ पे भी चेंजेस करोगे तो आपको डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे इन सबको रिवील करूँ, तो आप देखोगे तो मेरे पास रिजल्ट टोटल डिफरेंट होता हुआ जाएगा। सो एज अ टेरिन है, अभी मैं मैक्स कर रहा हूं, तो आप देखो मेरा रिजल्ट एकदम टोटली डिफरेंट आ रहा है। सो जैसा आपको आउटपुट चाहिए उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज, इफ यू आर बिगिनर, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि अंदर का मोशन चल कैसे रहा है। तो दो तरीके यहां पे मोशन करने के। पहली चीज यहां पे सबसे पहला ये है इवोल्यूशन। तो जितना आप यहां पे स्पीड दोगे उतना क्या होगा, यहां पे वैल्यू मिलेगा। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यू प्रेस करके दिखाऊं, तो यहां पे देखो इवोल्यूशन की वैल्यू मिली हुई है। जो लास्ट की है वो 1 का है, बड़ा ऑलमोस्ट 1 काइंड ऑफ वैल्यू है यहां पे लगा हुआ, और यहां पे है उसका स्टार्टिंग का वैल्यू 0। बट इसका एक दूसरा तरीका भी, आप यहां पे क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्रेशन भी दे सकते हो। तो आप यहां पे ऑल्ट करके क्लिक दे दो स्टॉपवॉच के ऊपर इवोल्यूशन, और आप यहां पे टाइप कर सकते हो टाइम इंटू जो भी आपको इवोल्यूशन से ये पर सेकेंड के अंदर उतना वैल्यू। सपोज मुझे 300 चाहिए तो बहुत तेजी से चलेगा, आप अगर 30 दे देते हो तो उस हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली 1 सेकेंड के अंदर अगर हमने ये एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं दिया होता, ठीक है ना, तो यहाँ पे चल क्या रहा था भाई, 1 सेकेंड के अंदर एक इवोल्यूशन हो रहा था, तो उतना स्लो यहाँ पे मोशन चल रहा था। अगर आपको स्पीड में चाहिए तो आप क्या करोगे, एक्सप्रेशन वैल्यूज दे दो, तो वो बहुत ही बेटर करेगा, जो हमने अभी मैंने अप्लाई किया था टाइम इंटू, या फिर यहाँ पे आप वैल्यू बढ़ा सकते हो। दूसरा चीज है यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म का
अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्केल का हमने वैल्यू देके रखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट जो है वो स्केल का वैल्यू हो रहा है 500 स्टार्टिंग का स्केल है। जैसे जैसे वो आगे होते हुए जा रहा है, यहाँ पे स्केल क्या होता है 1000 की तरफ होते हुए जा रहा है, तो ये स्केल वैल्यू आप बढ़ा सकते हो उसका। प्लस इंडिविजुअल स्केल भी करना है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यूनिफॉर्म स्केलिंग हटा दो यहाँ से, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको हटा दोगे तो एक्स एंड वाई आपको इंडिविजुअल मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे कैसा डिफरेंस वैल्यूज आपको मिल रहा है। तो मैं अगर इस इंडिविजुअल भी इनके वैल्यूज बढ़ाना चाहता हूँ तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उनके इंडिविजुअल वैल्यूज भी बढ़ा के अपना रिजल्ट ला सकते हो गाइस। सो मेन फ्रैक्टल नॉइस के साथ अलग अलग पैरामीटर्स के साथ प्ले कर सकते हो, प्लस इवन ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के साथ भी अगर आप प्ले करोगे तो भी आपको बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे, यू कैन सी इट ओवर हियर। तो ये भी आप यहाँ पे प्ले करके देखो। उसके बाद जो आता है वो है फाइंड एजेस। सो वॉट एवर ब्लॉक, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर दू तो आप देखो यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए थे मेरे, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो ब्लॉक्स है मेरे यहाँ पे, थोड़ा इसको कम करते तो आपको ये समझ में आएगा कि भी क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं उस हर एक ब्लॉक के पास अपना एज है, तो उसी एज को क्या कर रहा है, जैसे आप यहाँ पे ऑन करोगे तो एजेस उसकी ये फाइंड आउट कर रहा है। तो यहाँ पे फाइंड एज मतलब हम एजेस को क्या कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं। तो दो इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, एक क्या करोगे फ्लेक्टर नॉइज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो टैक्स का, एक दूसरा भी लेयर अलग से करके उसकी एजेस को अलग से ग्लो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कितना क्रिएटिव वे पे इसको यूज करते हो गाइस। तो ये फ्रैक्टल नॉइज का दूसरा इफेक्ट हुआ है। उसके बाद आपके पास फाइंड एजेस का ऑप्शन आया, जो आपका जो भी चीज बनता है, जो हमारा अल्फाबेट था उसका भी उसने क्या किया है, यहाँ पे एजेस फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रहे। एंड एट दी एंड जो ऑप्शन है आपके पास वो है ट्राइटोन। ट्राइटोन मीन्स क्या है, तीन अलग अलग शेड को आपके आउटपुट जो अभी तक का रिजल्ट है उसके ऊपर अप्लाई करता है। सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर दूं इसको, मैं थोड़ा कर देता हूँ इसको, चलो जाते हैं ब्लू के अंदर, इसको ये वाला ब्लू में यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। फिर सेकंड कलर में सपोज चूज करता हूँ, सेम यहां से पहले पिक कर लो इस वाले ब्लू को जो हमने पहले पिक किया था, मैंने उसको पिक किया। अभी मैं क्या करूंगा, उसका थोड़ा डार्कर शेड यहाँ पे चूज करता हूँ, ओके डन। और ब्लैक शेड में एज इट इज, या फिर आप क्या करोगे यहां से इसको पिक कर लो, फिर इसका ब्लू क्या करोगे नीचे की तरफ लेके चले जाओ। तो आप देख रहे हो अभी मेरे पास ये वाला रिजल्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब अगर आप इसको प्ले करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अब आपको चाहिए कि आपको अपना कोई बैकग्राउंड यूज करना है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके अपना एक बैकग्राउंड यहाँ पे ब्रिंग करके लेके आते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट कर लेना है इसको, तो ये मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको लेके आते हैं सीन में हमारे पीछे की तरफ, तो आ चुका है। अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, मेरा कलर यहाँ से पिक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ब्राइटेस्ट शेड मुझे समझ में आ रहा है तो नजदीक से यहाँ से मैंने ये कलर पिक किया। उसके बाद थोड़ा डार्क शेड मुझे चूज करना था, थोड़ा मैंने यहां से पिक किया और ये वाला कलर मैं एज इट इज यहाँ पे रख रहा हूं। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा ग्लोइनेस चाहिए टेक्सचर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट में और हम यहाँ से टाइप कर लेंगे ग्लो, और ग्लो को क्या कर दो यहाँ पे अप्लाई कर दो आपके टेक्स्ट लेयर के ऊपर। अब अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे मेरे को यहाँ पे रेडियस बढ़ाना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेडियस बढ़ा दिया। थ्रेशोल्ड में थोड़ा कम कर रहा हूं यहाँ पे। तो जैसे आप थ्रेशोल्ड कम करोगे और प्लस आप क्या कर रहे हो रेडियस बढ़ा रहे हो, तो ग्लोनेस बढ़ेगा। प्लस इंटेंसिटी में थोड़ा क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ एज आपको जाता है। तो मैं अभी पहले रिसेट रखता हूं। अब इसका क्या करता हूं, वापस एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करता हूं। बराबर ग्लो का मैंने क्या कर दिया, डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर दिया। तो जो सेकंड ग्लो है मेरा, उस सेकंड ग्लो के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे रेडियस में इंक्रीज कर रहा हूं गाइस, बराबर है। और मैं थ्रेशोल्ड को ग्लो करते हुए जा रहा, तो देखो अच्छे खासे तरीके से क्या हो गया, अब ये ग्लो करने लगा। इवन इंटेंसिटी भी मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं यहां पे। सो सी दो ग्लो यूज करने का बेनिफिट कितना बेटर तरीके से मुझे यहां पे मिल रहा है। प्लस जैसे मैंने फ्रैक्टल नॉइस को यहां पे अनयूनिफॉर्म कर दिया था, तो यहां पे क्या करते दोनों को साइज ऑलमोस्ट मैं सेम कर देता हूं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रॉपर तरीके से मुझे रिजल्ट मिले। तो नाउ यू कैन सी दैट आपको दिख रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा रिजल्ट यहां पे जनरेट हो चुका है। अब जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको ट्रैकिंग का अमाउंट देना, तो यहाँ पे चले जाओ इंडिविजुअली। अभी भी आप क्या कर सकते हो, टैक्स को एनिमेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके सपोज मैं यहाँ पे ट्रैकर अप्लाई कर रहा हूँ, ट्रैकिंग एनिमेटर, और यहाँ पे अगर मैं इसके वैल्यूज बढ़ा रहा हूं तो ये देखो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली अभी भी आप उसको एनिमेट कर सकते हो ये इफेक्ट अप्लाई करने के बाद भी। सो आई होप इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत ही अच्छे से, भले वन क्लिक में हमारा रिजल्ट मिला था, बट आप उसको बेटर तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। तो अच्छी चीजें सीखने को मिली। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।